दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और 2 लाख तक के फसल ऋण वाले किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई, जो हमने पूरी की। शिवराज जी ने तिजोरी खाली कर रखी थी। उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारा संविधान और प्रजातंत्र दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने युवाओं से उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देकर लोकतंत्र बचाने की अपील भी की। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर से भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 15 सालों में प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाएं करते रहे। उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की आत्महत्याओं के मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आज का युवा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर के विषय में कहा कि ग्वालियर कभी प्रदेश की पहचान होता था, लेकिन पिछले कई सालों में ग्वालियर विकास के मामले में प्रदेश के अन्य शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ मेट्रो फ्लाईओवर जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन सिंधिया इस पर कभी चर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में दखल दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव आते ही जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जब मौका लगता है तब नारियल फोड़ देते हैं और जनता को गुमराह कर देते हैं, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, हमें सिर्फ 11 महीने का समय मिला था, व्यवस्था को सुधार रहे थे, लेकिन वोट की चुनी हुई सरकार को नोट ने गिरा दिया। पर अब परिस्थितियां बदल गई और प्रति परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रही। मुझे इस बात का दुख है, आप में से जिनका जन्म नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, जब मध्य प्रदेश की बात करते थे, जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाईकोर्ट था, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता था, केवल ग्वालियर की बात। पिछले सालों में किस प्रकार ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा, जो मुझे आवेदन मिले हैं, ये आवेदन मध्य प्रदेश केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाए। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने। हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं, आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगते, लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। पालनपुर का क्या, कितने